दोस्तों, इस इन्वर्टर में प्रॉब्लम आई है हमारे पास कि ये चलता नहीं, थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाता है। अभी हम चेक करते हैं इस इन्वर्टर को कि क्या इसमें दिक्कत है। हम इसका कवर निकालते हैं, कवर निकाल के देखते हैं कि इसकी पीसीबी में प्रॉब्लम है या क्या है। दो ही जगह हो सकती है, तो पीसीबी में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इसके फैन में कोई दिक्कत हो। पीसीबी तो इसकी सही है, पीसीबी में तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि फ़ैन जो है उसमें डस्ट बहुत ज़बरदस्त बैठी हुई है, उसी की वजह से जो है ये फ़ैन जाम होगा इसका, ये चल नहीं रहा। चलिए इसके फ़ैन बदलते हैं, ये निकाल लेते हैं इनके लॉक। इनके लॉक निकालने के बाद ये फ़ैन बाहर आ जाएगा, चेंज ही कर देता हूँ मैं इसे, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इन्हें फिर बाद में दिक्कत ना हो। दो फैन हैं इसमें, ये निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ये निकल गया, ये दूसरा नया फ़ैन है हमारे पास, लेकिन इसमें कपलर नहीं है। कपलर हम इसमें से पुराने वाले फ़ैन में से ही निकाल के लगाते हैं, क्या करें अब यहाँ पे जब नहीं है। चलिए कपलर लगाते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो जो है वो ज़रूर लाइक कर देना। मैं आपके लिए, मैंने पहले भी वीडियो बनाई, मैंने सोलर पे भी वीडियो बनाई और बैटरी की टेस्टिंग पे भी मैंने वीडियो बनाई, बैटरा सेट करने, बैटरी को सही रखने के लिए, मतलब उसकी देखभाल कैसे करें, उसमें टर्मिनल पे कार्बन अगर आ जाए उस पर भी वीडियो बनाई मैंने, ये भी वीडियो बना रहा, और मैं आइंदा भी आता ही रहूँगा आपके साथ। चलिए ये कपलर लगाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। चलिए इसकी हम ज्वाइंट कर देते हैं। ज्वाइंट बहुत अच्छी तरीके से करना है, अच्छी तरह तार छील के, यानी कि थोड़ी बहुत ही तार छील के तब ज्वाइंट कर दो। एक इसमें रेड तार में रेड लगाना, ब्लैक तार में ब्लैक लगाना। अगर हमने उल्टी तार लगा दी तो ये पंखा उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा, मतलब हवा देने की बजाय हवा खींचना शुरू कर देगा, बिल्कुल उसके अपोजिट। चलिए अब इसमें टेप लगाते हैं क्योंकि तारे आपस में ना मिलें, अगर मिली तो ये शॉर्ट करेंगे, तो इसलिए इन पे टेप लगा देते हैं। अगर कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है इन्वर्टर के अंदर कि इन्वर्टर थोड़ी देर के बाद जो है ओवरलोड दिखाना शुरू कर देता है, मान लीजिए 15 मिनट चला या 20 मिनट चला, ये पंखा जो है ना इसकी आईसी को ठंडा करने के लिए होता है, तो ये ठंडा नहीं कर पाता अगर ये फ़ैन ना चले, तो ये फ़ैन की वजह होती है, तो उसमें या तो ये चेंज होता है या कुछ और तार तूर कोई मिस हो जाती है, जो भी है खैर, मतलब अगर ये फ़ैन ना चले तो तब भी ये प्रॉब्लम आती है। आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि अगर ये फ़ैन चल रहा है तो ठीक है, और इसे साफ़ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है टूथब्रश पुराना कोई लेके उससे पीछे चलते हुए फ़ैन पे हल्के हल्के अगर चोट मारेंगे तो इसमें से डस्ट जितनी भी होगी वो बाहर आ जाएगी, तो देखभाल के लिए ये कर लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इन्वर्टर ऐसी जगह रखा होता है कि आदमी ध्यान ही नहीं देता, साल हो जाते हैं इन्वर्टर को देखे। तो ये जो ये इन्वर्टर है ये भी तकरीबन 1.5 साल का है, लेकिन अभी गारंटी में है, इसलिए अगर इसकी पीसीबी में कोई प्रॉब्लम होती तो हम पीसीबी इसकी चेंज कर देते। चलिए अब इसके लॉक लगा देते हैं, ये रहे लॉक, बहुत इजी है, वैसे ही लग जाते हैं, इसमें कोई ऐसा भी नहीं घुमाने का चक्कर। क्या एक टेप यहाँ लगा देते हैं कि जिससे तार जो है ये उलझे ना, जब पंखा चलेगा ना इसका, फ़ैन चलेगा ये, तो ये तार उलझने का ख़तरा रहता है, तो इसलिए इस पे एक टेप यहाँ लगा देते हैं। इस टेप को लगाने के बाद दूसरा भी पंखा देखते हैं इसका, अगर वो सही है तो सही है, वरना तो उसे भी चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ बार बार कौन आएगा, इसे भी चेंज ही कर देते हैं क्योंकि वरना दिक्कत होगी ना भाई साहब को बाद में। ये पंखा लगा देते हैं, इसमें भी वही मसला है कि कपलर नहीं है, इसे भी छील के इसे कपलर को फिर इसमें लगाएंगे। लगाने के बाद उसी तरह टेप लगाएंगे, टेप लगा के उसी तरह इसे फिट कर देंगे जैसे लगाई थी, रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि तारे जो हैं वो उल्टी ना लग जाएं, अगर उल्टी लग जाएंगी तो हवा देने की बजाय वो खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि उल्टा फ़ैन जो है वो उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रख के ये बदल दो। टेप कहाँ, टेप टेप दो भाई। चलिए ये लग गया, ये लगा दिया, अब इसे फिट करते हैं। सिस्टम ओके है, साफ़ सूफ कर दिया इसे बिल्कुल,
दोनों पंखे इसके चेंज कर दिए, जो डस्ट थी इसमें उसे भी साफ़ कर दी। चलिए अब बैटरी की वायर लगाते हैं। ये जो अलग से तार है ये सोलर की है, इसमें सोलर जो है कम लगा हुआ है 150 वाट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि सोलर 400 वाट कम से कम लगाना चाहिए, 400 वाट से एक बैटरा चार्ज हो जाता है, तो इसलिए इसमें सोलर जो है वो कम लगा हुआ है, 150 वाट लगा हुआ है, तो इसलिए इसे टर्मिनल को टाइट करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा तेज़ हाथ से ना करो वरना टूट जाएगा। ये हमने प्लस वाली तार लगा दी, अब लगाते हैं इसकी माइनस वाली तार। ये सोलर की भी माइनस वाली तार हो गई, इसे भी अच्छी तरह ज्वाइंट कर दो जिससे लूज़ ना रहे। लूजिंग का ध्यान रखें, इसमें बिल्कुल भी अगर तारें ढीली रहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। तो इसकी माइनस वाली तार भी लगा देते हैं, ये लगा दी सोलर की भी हमने, इसी में कनेक्ट कर दी, डायरेक्ट दे दी। अगर हम कंट्रोलर से इसे देते तो ये चार्ज ना कर पाता, आजकल लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही, तो इसलिए इसे डायरेक्ट ही लगा दी। वो जितना भी चार्जिंग करेगा ये डायरेक्ट ही करता रहेगा। इसका बोल्ट वार्शल ज़रूर लगा दें इसे टाइट करते हुए। और इसका भी यही ध्यान रखें कि जब आप इसे टाइट कर रहे हैं बहुत हल्के हाथ से टाइट करें, ज़्यादा तेज़ जोर ना लगाएं, क्योंकि अगर पुराने बैटरे हैं टर्मिनल टूट जाता है, तेज़ाब में जो चीज़ रही तेज़ाब उसे खा ही लेता है, तो ये भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए ये लो भाई हमारी तरफ से बिल्कुल ओके हो गया। एक दफ़ा पंखे चेक कर लो इसके चल रहे हैं या नहीं, एक तो चल गया, एक फ़ैन नहीं चल रहा, शायद इसका कपलर ढीला है, देखते हैं। हाँ ये कपलर जो है वो लूज़ है इसका, जो लगाया था चल गया। अब दोनों फ़ैन बिल्कुल वर्किंग में है, ये चल रहा, दूसरा वाला भी चल रहा है। चलिए अब इसे फिट करते हैं, इसमें स्क्रू टाइट कर देते हैं इसके कवर के, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी टाइट कर दो, दूसरी तरफ के भी कर देते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया, चलिए हमारी तरफ से बिल्कुल ओके हैं। अब इसे सेट को देखते हैं कि ऑन हो गया, डिस्प्ले इसकी आ गई, ये इसका स्विच है, इसे देखते हैं स्विच को, इन्वर्टर ऑन होता है, हो गया इन्वर्टर भी ऑन हो गया, तो इसका मतलब बिल्कुल ओके है। इन्वर्टर बंद भी हो जाएगा, हाँ बंद हो गया, डिस्प्ले भी आ गई, इन्वर्टर ऑन ऑफ बिल्कुल सही हो रहा है। ये इसे लॉन्ग पुश करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये हो गया, इसे लॉन्ग पुश करेंगे फिर 3-4 सेकेंड तक तो ये ऑफ हो गया। तो इसमें ये ऑन ऑफ का स्विच वैसे नहीं है, लॉन्ग थोड़ा सा पुश करके तब होता है। चलिए अब इसकी बिजली की तारें लगाते हैं। बिजली की तारें लगाते टाइम ये ध्यान रखें कि इसमें कहीं से मिसिंग ना हो, अगर तार थोड़ी सी टूट टाट रही तो उसे दोबारा से छील के उसे दोबारा लगाएं, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सी भी मिसिंग रही तो ये फिर प्रॉब्लम खड़ी करेगा, इन्वर्टर नहीं चलने का, चार्जिंग नहीं होने की, मतलब दिक्कत रहेगी। तो इसलिए आप इसे तार को छील के तब लगाएं, अच्छी तरह ज्वाइंट करके तब लगाएं। ये बिजली की तारें हैं जो लाइट में लगेंगी 220 वोल्ट। ये रहा कपलर, इसकी भी रेड रेड में लगाएं, ब्लैक ब्लैक में लगाएं। अगर आपने उल्टी तारें लगा दी तो इन्वर्टर नहीं चलेगा लाइट भागने के बाद। ये हमने रेड तार इसकी टाइट कर दी और ये अच्छी तरह से टाइट कर दी, और ये इसकी ब्लैक तार भी हमने लगा दी, ये ब्लैक तार भी लगा दी। हमारा सिस्टम बिल्कुल ओके हो गया, बिल्कुल वर्किंग में है। अब इसे अंदर कर देते हैं, ये ढक्कन इसके खुले हुए थे ये लगा दिए। चलिए दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आइंदा आने वाले वक्त में भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के देता रहूँगा। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में।